खड़े रहना है, आप सब लोगों के बीच रहना है। तो मेरी तरफ से तो मैं आप सबको ये वादा कर रही हूँ कि मेरा ऑलरेडी अपने आप से एक प्रॉमिस है कि मैं इस कला क्षेत्र में, सुर और गीतों में कमर्शियल बनने के लिए परंपराओं की कीमत नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, जुगड़ी है, काट के दुपट्टे को रुमाल, वहां तक ठीक है, अच्छा था, भोला भोला एक्सप्रेशन था, गांव की एक लड़की है वो आ गई और फंस गई, लेकिन परंपराओं को दांव पे मैं नहीं लगाऊंगी। रह गई आज के बच्चों की बात है, तो बहुत टफ है, इसलिए आप सबसे मेरा ये कहना है, जो संगीत में आना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा कला के माध्यम से, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टफ कब नहीं था, हम समझते हैं पहले ज्यादा टफ था, आज जो टेक्निक्स आ गई एक एक लाइन करके रिकॉर्ड हो जाता है, आज तो कोई भी मैं 103 डिग्री बुखार में कोई भी गाना रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि स्टार्ट टू एंड एक कोई टंग भी गलत हो जाए तो फिर स्टार्ट से गाओ, और डुएट है तो हम को मैं अपने क्लिक के साथ वो बिल्कुल मिसिंग तो नहीं हो रहे हैं, वो डर रहता था, लेकिन आज कुछ नहीं है ऐसा, स्टूडियो में जाएंगे सुनसान सन्नाटा रहता है, एक हेडफोन होता है, एक क्लिक पे आपको अपनी लाइन गानी और चलाना, और एक लाइन को 10 बार 100 बार भी पंच आउट होता है। मेरे लिए तो आज का जमाना सहज, वो ज्यादा टफ था, और जो लोग सामने गा रहे थे वो दीवार कोई ईंट रेत पत्थर की नहीं थी, वो फौलाद की थी, जिसको ब्रह्मा भी नहीं तोड़ सकते, ऐसा डर था, लेकिन आए, अपने आप पे भरोसा, अपने माँ बाप पे विश्वास, और अपने काम की सच्चाई, मेहनत, साधना, साधना से सिद्धि, अपना काम इतना मजबूत करके आओ कि सामने वाला कायल हो जाए, अपने आप को बिल्कुल ठोक बजा के परखो, बड़े बड़े गुणियों द्वारा अपने आप को जब आप सर्टिफाई करेंगे वो कहेंगे आपसे कि यस यू कैन गो म्यूजिक वर्ल्ड एंड आई एम श्योर यू विल सक्सेस। तो आज का जमाना पहले और तरह से टफ था, आज और तरह से टफ है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, समय अपनी गति से चल रहा है, दौर आता है चला जाता है, दौर से क्या डरना। तो आप जरूर म्यूजिक वर्ल्ड को इज्जत से देखें, और इज्जत से काम करने की जैसी भावना लेकर आप आएंगे वही मिलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र मेरी भी कर्मभूमि है। यशोदा माँ है मेरी,
इसने पाला, इसने दिया, मैं कैसे कहूँ? आप आएंगे और आप में कुछ है तो अपने आप को बिल्कुल तैयार करके आइए, जय माता की हो जाना है, जरूर बात बनेगी। और उसके लिए इंडस्ट्री हमेशा एनकरेज करती है, जो अच्छा काम होता है। आप देखते होंगे छोटी छोटी बच्चियों को मीडिया कई बार लेके आता कि देखो ये बच्ची किस तरह से खूबसूरत थी, पूरा गाना कैसे गा रही है। तो और आज की डेट में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के दिलों में थ्रस्ट है, प्यास है, नहीं तो क्यों वो FM को के माध्यम से वो उन्हीं गीतों को सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, दीदी को सुन रहे हैं। उनमें हमें जनरेशन का फर्क, तो उस जनरेशन तक, उस पीढ़ी से लेके हमारी पीढ़ी तक लोग उन गीतों को अपना रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और हमें मेरे को अनकाउंटेबल विशेज आते हैं और फैन लोगों ने खड़ा कर रखा है, क्योंकि चाहिए उनको, पूरा नहीं पड़ रहा है, और चाहिए, अच्छा चाहिए। वो सोच के आइए, अच्छे अच्छे गाने गाइए और अपने आप को खुद भी आजमा के देखिए, और हर आजमाइश में आप खरे उतरिए। अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, लेकिन ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिएगा। आपको गुरुओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी, हमको भी थी, आज भी है। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, आज भी कुछ नया मेरे, आज मैं नई जनरेशन से कुछ ना कुछ एडेप्ट तो करती हूँ, जो अच्छा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब खराबी है, अच्छे अच्छे भी काम हो रहे हैं, उस रास्ते निकल जाते हैं। कहते हैं ना, यस आई कैन। इतना ही कहकर मैं आपसे और अपनी मेरे श्रोताओं से, दर्शकों से, आपके माध्यम से आज्ञा चाहूंगी। मुझे मौका दिया इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।